नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी एंड नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीबीएसई नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर ये मेरा 12वां लेक्चर है और इसमें मैं दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हीगल के विचार में मस्तिष्क की सर्वाधिक संभावित उपलब्धि जैसा कि सामाजिक जीवन में प्रकट होता है कहाँ थी। हीगल जो समकालीन प्रशियन राष्ट्र था उसको वो बोलते थे कि ये सबसे उन्नत है मानसिक तौर पर, कि यहाँ के जो लोग हैं वो मस्तिष्क से है, माइंड से है, बहुत ज़्यादा शार्प है। तो इसका सही आंसर है ए। मैकियावेली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया? तो इन्होंने दिया था संयत व्यवहार करने का, कि राजा को जब जरूरत पड़े तो लोमड़ी बन जाए और जब जरूरत पड़े तो शेर की तरह दहाड़ने लगे। तो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? संयत। क्वेश्चन नंबर 3, रोल्स ने सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा क्या नहीं? रोल्स ने जो सुव्यवस्थित समाज दिया है उसका हिस्सा नहीं है समान, इक्वालिटी उसका हिस्सा नहीं है। अब आप सोचोगे कि इक्वालिटी को क्यों नहीं मानते हो? दोस्तों, उन्होंने क्या बात की है? एक न्यायपूर्ण समाज की, और न्यायपूर्ण समाज में सभी समान नहीं हो सकते हैं, ठीक है? समान व्यवहार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेशन की बात करते हैं, अमीरों से वो टैक्स लेंगे और गरीबों को वो रिजर्वेशन देंगे, तो वहाँ पे समान व्यवहार नहीं हो रहा है। अमीरों से पैसा लिया जा रहा है और गरीबों को दिया जा रहा है, यहाँ पे समान टैक्सेशन, कुछ भी समानता की बात यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने कहा कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम है, जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जा सकता? मतलब जो कोई भी विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जा सकता है, ये बात की थी हॉब्स ने। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मॉडर्न पीरियड में पहले व्यक्ति हॉब्स ही थे जिन्होंने लीगल कानून की बात की। मतलब कानून क्या है? राज्य बनाता है, ठीक है? राज्य कानून बनाता है, कानून प्राकृतिक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रूसो की निम्नांकित कृतियों को कालक्रम में आपने लिखना है। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनकी 1962 के एंड में आई है, 1762 के एंड में आई है, ठीक है? सेकंड है अ डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स। ये इनकी जो बुक आई है, बुक तो क्या है, इन्होंने पहले ये आर्टिकल लिखा था 1950 में, ठीक है? 1950 के अंदर इन्होंने आर्टिकल लिखा था जिसके बदौलत इन्हें फर्स्ट प्राइज मिला था उस आर्टिकल लिखने के लिए, और यहीं से इनकी पॉलिटिकल लाइफ शुरू होती है। उसके बाद एमिली शिक्षा के ऊपर इनकी बुक है, ये 1962 में आई है, 1962 के शुरू में। अ डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये 1954 के अंदर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और उसके बाद इन्होंने पूरी की पूरी बुक लिखी थी उसके ऊपर। हालांकि इसमें, इस आर्टिकल में इन्हें कोई प्राइज तो नहीं मिला था, लेकिन उन जो 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है उसके अंदर इनका महान योगदान रहा है इस बुक का, और इसे बाइबल की तरह मानने लगे थे वहाँ के जिन्होंने रिवोल्यूशन किया था। तो 5 का करेक्ट आंसर है डी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन लिबर्टी लिखी है J.S. मिल ने, और इसमें इन्होंने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के महान थिंकर रहे हैं T.H. ग्रीन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि आखिर व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं, क्यों हम ऑब्लिगेट करते हैं? डर से करते हैं, या हमारी नैतिकता के कारण हम राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं, या कानूनों में बंध कर? तो ये इन्होंने T.H. ग्रीन ने दिया है। आइडिया ऑफ जस्टिस
ये अमर्त्य सेन ने लिखी है बुक 1999 के अंदर, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 के अंदर, रॉबर्ट नोजिक ने लिखी है। तो क्वेश्चन 6 का भी सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है। एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग, एक कार्य के रूप में न्याय। मतलब अगर आप अपने कार्यों को ईमानदारी से करते हैं और दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तभी न्याय होगा। ये बात की थी प्लेटो ने। उचितता के रूप में न्याय, न्याय एज फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस, ये दी है जॉन रॉल्स ने, और 2001 के अंदर इनकी ये बुक छपी है। और ये आइडिया 1959 के अंदर इनका आया था, लेकिन बुक इनकी 2001 में छपी है। ये आनुपातिक समानता के रूप में न्याय, आनुपातिक समानता के रूप में न्याय अरस्तु ने दिया है सबसे पहले, एरिस्टोटल ने दिया है ये, उसके बाद बहुत से थिंकर ने दिया है। शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय, मतलब शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ये बोलते थे थेमिक्रेस। तो 7 का करेक्ट आंसर यहां पे होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है। अविच्छिन्न शांति, ये दिया है कांट ने। स्वर्णिम संतुलन, स्वर्णिम संतुलन की बात करते हैं अरस्तु, जिसके लिए उन्होंने गोल्डन मीन अपनाने की बात की थी, मध्य मार्ग। ठीक है, स्वर्णिम संतुलन मध्य मार्ग को भी कहा जाता है। गुफा का सादृश्य, गुफा का सादृश्य प्रकट किया था प्लेटो ने, जिसमें इन्होंने सत्य और असत्य को समझाने की कोशिश की थी। स्त्री के रूप में भाग्य की बात की थी मैक्यावली ने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, व्यक्ति अपने माता पिता की हत्या भूल सकते हैं, लेकिन संपत्ति का छीना जाना नहीं भूल सकते हैं। मैक्यावली ने स्त्री को भी संपत्ति के रूप में देखा था, इसलिए उन्होंने बोला था कोई भी व्यक्ति स्त्री का अपमान और संपत्ति का छीना जाना नहीं भूल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर यहां पे है बी। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं। मार्क्स एक क्रांतिकारी था, बिल्कुल सही बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मार्क्स का इतिहास की प्रक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं, बिल्कुल गलत ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मार्क्स तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं, जो कुछ भी आपका आज है वो इतिहास की देन है, ये मार्क्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आर बिल्कुल गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए सत्य आर असत्य। क्वेश्चन नंबर 10, अरस्तु को तर्कसंगत रूप से राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। प्लेटो के आदर्शवाद की उसके द्वारा आलोचना इस दावे को सही प्रमाणित करती है, बिल्कुल सही बात। हालांकि प्लेटो उसके गुरु थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्लेटो की आलोचना की और उनके जो सिद्धांत थे उसको नकारने की कोशिश की। ये भी एक कारण है कि उन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि प्लेटो को क्यों नहीं बोला जाता है, क्योंकि प्लेटो ने भी तो एक मतलब सबसे पहले सिस्टमेटिक थ्योरी दी थी, लेकिन नहीं, इसीलिए अरस्तु को बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ए और आर दोनों सही, और ए आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 11, समाज शास्त्रों में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का परिचालन भाग सर्वप्रथम किस में विकसित किया गया है? तो सबसे पहले ये आया मानव विज्ञान में, मानव विज्ञान से आया मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान से समाज शास्त्र, और समाज शास्त्र सब के बाद आया राजनीति विज्ञान में, और ये क्रमबद्ध करने के लिए भी आता है। तो आपने ये याद रखना है, सबसे पहले मानव विज्ञान और सबसे लास्ट में आया है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शनलिज्म का निर्वचन मार्क्सवाद के चेतन विकल्प के रूप में किसने किया? मतलब फंक्शनलिज्म को मार्क्सवाद का विकल्प किसने बताया कि मार्क्सवाद की जगह हम फंक्शनलिज्म को यूज कर सकते हैं? ये बात की है WG रेंसीमैन ने। यह किसने कहा कि
विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकासशील समाजों को राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय कल्याण एवं प्रचुरता की अवस्थाओं से गुजरना पड़ सकता है। देखो कितने टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन हम पांचवी बार सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आर्गेंस्की का ये पूरा का पूरा थ्योरी है डेवलपमेंट की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहला आधुनिक सिद्धांत, लुशन पाई। लुशन पाई ने आधुनिकीकरण का सिद्धांत नहीं दिया है, इन्होंने दी है थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन की इन्होंने थ्योरी नहीं दी है, इन्होंने थ्योरी दी है डेवलपमेंट की। तो ये पहला ही यहाँ पे गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए इज रॉन्ग। वेलरस्टाइन ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी है, थेडा स्कोकपोल है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से जुड़े हुए, और कार्ल ड्यूश ने दी है कम्युनिकेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी आपको सही सुमेलित नहीं है वो पता करना है। पेरेटो ने अवशिष्ट की अवधारणा, मिचेल्स ने जनसमूह मास माइंड की बात की है, मिल्स ने दी है CW मिल ने दी है पावर एलीट। इन्होंने राजनीतिक फार्मूले की बात नहीं की है, इन्होंने दी है पावर एलीट। तो यहाँ पे सी बिल्कुल गलत है। गैसेट ने जनसमूह की बात की है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 16, किसके सर्वेक्षण से राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा विकसित हुई? पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, ये भी तीन बार क्वेश्चन आ गया पॉलिटिकल कल्चर से। पॉलिटिकल कल्चर या सिविक कल्चर भी इसको बोलते हैं। आमंड एंड वर्मा ने ये बुक लिखी है सिविक कल्चर, उसके अंदर उन्होंने USA, UK, मैक्सिको, जर्मनी व इटली का अध्ययन किया है, और राजनीतिक या नागरिक संस्कृति, नागरिक संस्कृति मतलब सिविक कल्चर की थ्योरी इवोल्व की है। क्वेश्चन नंबर 17, असमान विनियमन किसका निरूपण है? इसका मतलब है अनइक्वल एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल, आज इंडिया को जरूरत है हवाई जहाज की और अमेरिका को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया हवाई जहाज अमेरिका से खरीदना चाहेगा तो वो हवाई जहाज के बदले में हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसे इंडिया से ले, ठीक है। या फिर इस टाइप का एक्सचेंज हो सकता है, भारत जहाज लेना चाहता है तो जहाज के बदले में वो असमान अनइक्वल एक्सचेंज की बात करें। फॉर एग्जांपल, वो 10 किलो सोने की डिमांड करे, मतलब उसकी वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा वो ले सकता है, अनइक्वल एक्सचेंज है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पार्टी व्यवस्था संबंधित ड्यूवर्जर, यहाँ पे ड्यूवर्गर लिखा है, ड्यूवर्जर का वर्गीकरण कहाँ की राजनीतिक पार्टियों के अनुभव से लिया गया है? तो ड्यूवर्जर ने पश्चिमी यूरोप की पार्टियों के ऊपर अपना अध्ययन किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही है? वो राष्ट्र और सरकार का मुखिया होता है, बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे राष्ट्र का मुखिया और सरकार का मुखिया एक ही होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, राष्ट्र का मुखिया होता है राष्ट्रपति और सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। समस्त कार्यकारी शक्तियाँ उसके पास है, ये भी बिल्कुल सही है। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो राष्ट्रपति में निहित है, वह मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा है, बिल्कुल गलत, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है, ठीक है। वह विधान मंडल को विघटित करने की शक्ति रखता है, बिल्कुल गलत है, नहीं रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एक और दो सही है। क्वेश्चन नंबर 20, FM मार्क्स की परिपालक, ये अभिरक्षक है, परिपालक नौकरशाही की विशेषता निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? परिपालक, देखते हैं इंग्लिश में परिपालक को क्या बोलते हैं, यह है गार्डियन, ठीक है, गार्डियन ब्यूरोक्रेसी। गार्डियन ब्यूरोक्रेसी जैसे आपके माता पिता होते हैं ना, आपकी कैसे वो देखभाल करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है वो सब कुछ देखते हैं, तो वो होती है गार्डियन ब्यूरोक्रेसी। गार्डियन ब्यूरोक्रेसी में जो भी ब्यूरोक्रेट होते हैं वो जनता की भलाई के बारे में सोचते हैं, उनके सुख दुख के बारे में सोचते हैं, तो ठीक है। तो इसमें से कौन सी उन्होंने विशेषता नहीं बताई है? जनहित का अभिरक्षक,
मतलब पब्लिक का वो गार्डियन बनेगा, बिल्कुल सही बात। क्षमताशाली भी होता है, कैपेसिटी भी होती है उसके अंदर कि वो समाज की समस्याओं का समाधान करे। एकाधीनतावादी होता है और वो कभी भी भ्रष्टाचारी नहीं होता है। जो आपका गार्डियन ब्यूरोक्रेसी होती है वो भ्रष्टाचारी नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट एलीट ग्रुप की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नांकित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? यह थी न्यायमूर्ति रामानंद समिति। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति किसने कहा? मायरन वीनर ने। मायरन वीनर की बुक है पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरिसिटी, पॉलिटिक्स ऑफ स्कैसिटी, ये मायरन विनर ने कहा है भारतीय राजनीति को। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग का सूत्रपात किया? ब्रिटिश राज के दौरान सुभाष चंद्र बोस 1938 से 39 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, उसी बीच इन्होंने योजना आयोग बनाने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय सरकार के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है, डाउटफुल है। राज्यसभा का सदस्य उसी राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वो निर्वाचित होता है। दोस्तों ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है, उस टाइम ये रूल लागू था। आपने ये पता करना है कि आज ये व्यवस्था हटा दी गई है कि नहीं, क्योंकि मुझे शायद सुनने में आया था कि अब राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए उसी राज्य का होना जरूरी नहीं है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये बिल्कुल सही था। राज्य को आवंटित सीटों की संख्या उसकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए, बिल्कुल इंडिया के संबंध में बिल्कुल। जितनी ही वहाँ की जनसंख्या होगी उसके आधार पर सीटें निर्धारित होगी। इसीलिए हिमाचल में राज्यसभा के लिए 2 सीटें हैं और यूपी से 31 सीटें हैं, ठीक है, ये जनसंख्या के कारण ही है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल यूएस में सीनेट के कार्यकाल के समान होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें 2, 3 और 4 सही होने चाहिए, तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 25, अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सिविल अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही था आचार्य विनोबा भावे, और ये भूदान से भी जुड़े हुए थे। भूदान इन्होंने 1954 में शुरू किया। भूदान क्या था विनोबा भावे का, कि जिन लोगों के पास, जमींदारों के पास बहुत सारी जमीन थी वो अपनी इच्छा से गरीबों में बांट दे, और ये बहुत बड़ा मिशन था इनका जिसमें बहुत ज़्यादा इन्हें सफलता मिली थी। तो ये थे पहले सत्याग्रही, ये थे प्रथम सत्याग्रही। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, तो द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया? सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया है मॉरिस जोन्स ने। अब सौदेबाजी की व्यवस्था, क्वेश्चन नंबर 24, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मैंने आपको बता दिया है, मॉरिस जोन्स। सौदेबाजी क्या होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच क्या है, सौदेबाजी चलती है बहुत सी नीतियों को लेके या कानून बनाने से संबंधित शक्तियों को लेके। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, बीपी मंडल। अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दी है बिंदेश्वर प्रसाद, विजेश्वर प्रसाद इस टाइप से भी दिया जा सकता है। तो ये थे बिंदेश्वर प्रसाद मंडल। भारत में अंतर राज्य, या अंतर लिखा है लेकिन ये अंतर राज्य परिषद 1990 के अंदर स्थापित होती है। क्वेश्चन नंबर 29, विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की व्यवस्था हेतु लोकसभा नियमों में संशोधन कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 29 है ये, और इसका सही आंसर है बी, 1989 के अंदर। 1989 के अंदर जो संसद की स्थायी समितियां थी
उसमें चेंज किया गया। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या चेंज किया गया स्थायी समितियों के अंदर। इसमें कुछ समितियां को हटा दिया गया था और कुछ नई समितियां ला दी गई थी, कुछ कुछ की मेंबरशिप बढ़ाई गई थी और कुछ की घटाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से होती है? ये होती है भारत सरकार अधिनियम 1935। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक लिखी है एल डी वाइट ने, लियोनार्ड डी वाइट। क्वेश्चन नंबर 32, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये की है एल्टन मेयो ने हवर्थन परीक्षण के दौरान। कलेक्ट, रिक्स प्रिज्मेटिक समाज की उपव्यवस्था है। प्रिज्मेटिक समाज की ये जो कलेक्ट है, कलेक्ट जो है रिक्स के प्रिज्मेटिक समाज की सामाजिक व्यवस्था को उपव्यवस्था बोलते हैं। जैक्सोनियन सिद्धांत को निम्नलिखित भी कहा जा सकता है? दोस्तों, ये जैक्सन एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं अमेरिका के अंदर, और इन्होंने इनामी प्रणाली विकसित की है। इनामी प्रणाली में क्या होता है, जो राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के जानने वाले होते हैं, ठीक है, अपने भाई भतीजावाद इसमें चलता है, उनको इनाम के तौर पर पद दिया जाता था, ठीक है। मतलब जैसे किसी को यहाँ इंडिया में डीसी बनाना है, अगर मेरा कोई नॉन है, मेरा जानने वाला है, तो उसको इनाम के तौर पर मैंने डीसी बना दिया। तो ये बहुत ही मतलब भ्रष्टाचार इससे फैला था अमेरिका के अंदर, और इसको बाद में खत्म कर दिया गया था, और उसके स्थान पे योग्यता प्रणाली वहां पे अपनाई गई है, ठीक है। मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से चार मुद्दों पर बहस की गई? अब 1968 में आपको पता है ड्वाइट वाल्डो, इसके जो फर्स्ट मिनोब्रुक सम्मेलन था उसके अध्यक्ष थे ड्वाइट वाल्डो, और इसमें चार चीजों को अपनाया गया है। प्रासंगिकता, ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म में भी अपनाए गए हैं। मूल्य, पोस्ट बिहेवियरलिज्म में अपनाए गए हैं। समानता और परिवर्तन। दोस्तों, ये चारों के चारों उत्तर व्यवहारवाद के भी पॉइंट हैं, आपने इसको याद रखना है। और ये मिनोब्रुक सम्मेलन एक के अंदर अपनाए गए हैं। अब उत्तर व्यवहारवाद आपको पता है 1969 में शुरू होता है, कहीं ना कहीं इसका भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ा था। किसने कहा कि सफल प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्ग्रस्त करता है? दोस्तों, ये भी दूसरी बार क्वेश्चन आ गया है, सफल प्रबंध, ठीक है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ, एमबीओ का सिद्धांत दिया है पीटर एफ ड्रकर ने। क्वेश्चन नंबर 37, किस पुस्तक में रॉबर्ट डहल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की है? निर्णय लेने के सिद्धांत की, डिसीजन मेकिंग की किसमें बात की है? हु गवर्न की, गवर्न कौन करता है, शासन कौन करता है, उसके अंदर इन्होंने डिसीजन मेकिंग की बात की है। ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा की थी फुलटन कमेटी ने, चार बार आ चुका है, तो आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 39, और असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार की प्रथा के अंत को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की जा रही है, मतलब भ्रष्टाचार यहाँ पे इसके ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है। नीचे भ्रष्टाचार गलती से भी आ गया तो बिल्कुल सही होना चाहिए। भ्रष्टाचार प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं को अवनति की ओर प्रवृत्त करता है, क्योंकि रीजन में दिया गया, क्योंकि भ्रष्टाचार प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को अवनति की ओर ले जाता है, इसलिए सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए इसको खत्म करने के। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। दोस्तों, जो ऑफिशियल की आई थी सीबीएसई नेट की, उसमें बी इन्होंने आंसर दिया था, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा था, उसके बाद इसका आंसर ए किया गया है, ठीक है, रिवाइज आंसर की में। क्वेश्चन नंबर 40, ओम्बुड्समैन का कार्यकाल निम्नांकित वर्षों में इन देशों में स्थापित किया गया? दोस्तों, सबसे पहले ओम्बुड्समैन जिसको भारत में लोकायुक्त बोला जाता है, स्वीडन में शुरू हुआ है, तो सबसे पहले 1809,
सबसे पहले, वैसे ये स्कैंडिनेवियन कंट्री से ही शुरू हुआ है, सबसे पहले ये स्कैंडिनेवियन कंट्री से शुरू हुआ है ना, ये तो सारी स्वीडन, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये स्कैंडिनेवियन कंट्री में आती है। तो सबसे पहले स्वीडन में 1809, और आपने इसको भूलना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और उसके बाद होता है, सबसे लास्ट में होता है यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम में होता है 1967 के अंदर। तो मुझे यहाँ पे दो आते हैं, तो ए का होना चाहिए दो, ए का दो है यहाँ पे सिर्फ ए में, तो इसका करेक्ट आंसर भी यहाँ पे आ गया है डी का वन, यूनाइटेड किंगडम 1967 में, मतलब सबसे लास्ट में। तो बी का चार यहाँ पे फिनलैंड में हुआ है 1919 में, और सी का पांच न्यूजीलैंड में हुआ है 1962 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर सोवियत काल में वैश्विक स्तर पर रशिया का दृष्टिकोण निम्नलिखित के द्वारा विशेषित था। तो उत्तर सोवियत काल में व्यवहारिक अनवैचारिक वैश्विक दृष्टिकोण अपनाया गया है यूएसएसआर या प्रेजेंट रशिया के द्वारा, ठीक है, प्रेजेंट रशिया के द्वारा। अनवैचारिक का मतलब क्या है कि इन्होंने अब साम्यवाद की विचारधारा को नहीं अपनाया है, ना ही इन्होंने पूंजीवाद को अपनाया है, लेकिन इनकी जो इकोनॉमी है वो पूंजीवादी है, और इन्होंने अपनी कोई आइडियोलॉजी अभी डिसाइड नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने अल्प विकास के शब्द का प्रतिपादन किया? इमैनुएल वोलरस्टाइन ने इसका प्रतिपादन किया है, और इन्होंने ही वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी है। तो आप समझ लीजिए आपके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है, 10 से ज़्यादा बार इनका नाम आ चुका है क्वेश्चन पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43, यूएस द्वारा निर्मित कंटेनमेंट की नीति का लक्ष्य है, कंटेनमेंट की नीति दी थी ट्रूमैन ने, मार्शल प्लान भी इन्होंने ही चलाया था ट्रूमैन ने, तो इसका क्या काम था? सोवियत यूनियन के प्रभाव को वैश्विक रूप से रोकना, ठीक है। कंटेंटमेंट का मतलब होता है रोकना, कि रशिया जो अपना साम्राज्य फैला रहा है उसको रोकना। क्वेश्चन नंबर 44, 1997 की कियोटो उपसंधि में निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यक्रम को अपनाया गया है? दोस्तों कियोटो एग्रीमेंट है जो, ये पृथ्वी सम्मेलन भी इसको बोला जाता है, और ये ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया था। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, मॉर्टन कैपलान, मॉर्टन कैपलान ने दी है सिस्टम थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ए जी फ्रैंक, एंड्रे गुंडर फ्रैंक ने दिया है डिपेंडेंसी थ्योरी, पराश्रयता सिद्धांत, हैंस जे मॉर्गेन तो है क्लासिकल रियलिस्ट, और मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति या अध्यक्ष बने थे यूएसएसआर के 1985-86 के अंदर, और इन्होंने पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट की नीति को अपनाया था। पेरेस्ट्रोइका का मतलब है पॉलिटिकली रूप से लोगों को राइट देना, वहाँ पे इलेक्शन कराना, और अपने मर्जी का वहाँ पे अध्यक्ष वो चुन सकते थे। और ग्लासनोस्ट का मतलब है, जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास के अंदर आर से पार देख सकते हैं, तो इसमें जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट थे, दस्तावेज थे, उसको ओपन कर दिया गया था आम जनता के लिए। तो 45 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ए। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व व्यापार संगठन WTO के अंदर पारस्परिकता का सिद्धांत किसका विचार करता है? पारस्परिकता का सिद्धांत यहाँ पे बात की गई है, पारस्परिकता के सिद्धांत की। तो इसका सही आंसर है राष्ट्र द्वारा व्यापार अवरोधों को कम करना, और बदले में दूसरे राष्ट्र के द्वारा भी उतने ही कम किए जाना, ठीक है। WTO का क्या काम है कि टैरिफ और टैक्स को कम करना। पहले इसका नाम क्या था? गैट। गैट से 1995 में इसका नाम WTO किया गया है। तो इसने क्या है, जो व्यापार के बीच अवरोध आते हैं ना, जैसे कि बहुत ज्यादा हाई टैक्स होता है किसी देश का, कोई देश क्या है कुछ गुड्स को अपने देश में आने ही नहीं देता, तो उसको कम करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, नीचे सूचीगत घटनाओं को कालक्रम में आपको रखना है। सोवियत यूनियन के कंटेनमेंट नीति, यूएसए ने जो कंटेनमेंट की नीति ट्रूमैन ने दी थी 1947 से लेके 1947 से शुरू हुई थी, ठीक है। पूर्व सोवियत यूनियन का
विघटन हुआ था 1991 में। ईरान इराक युद्ध चला था 1980 से 1988 में, और इसी के बाद इराक के साथ हुआ था जिसको खाड़ी युद्ध बोलते हैं, 1990 में हुआ है। और ईरान इराक युद्ध 2 पार्ट 2 उसको बोलते हैं, 2003 में हुआ था। अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध यूएसए का युद्ध अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में ये आता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 47 का होगा डी, ठीक है डी, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी भी ये मिशन चला है। क्वेश्चन नंबर 48, यह उक्ति साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है, बहुत सिंपल है। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये बात की थी वी आई लेनिन ने, इनकी बुक है ये। हॉन्स ब्लिंक्स संयुक्त राष्ट्र संस्था का प्रमुख किसके लिए होता है? दोस्तों ये हॉन्स ब्लिंक्स इराक में जो बोला जा रहा था ना 2003 के अंदर, कि इराक क्या है, खतरनाक परमाणु हथियार बना रहा है, ठीक है, खतरनाक परमाणु हथियार बना रहा है, उसकी जांच करने के लिए बनाई गई थी हॉन्स ब्लिंक्स समिति या संस्था, ठीक है। तो इसमें सही आंसर 49 का होगा यहाँ पे बी। जनसमूह के विनाश के शस्त्रों के सत्यापन हेतु इराक में स्थानों का निरीक्षण करना, और दोस्तों हॉन्स ब्लिंक्स जो संस्था बनाई गई थी उसने ये निष्कर्ष निकाला कि इराक ऐसे कोई भी खतरनाक हथियार नहीं बना रहा है, अमेरिका ने गुमराह किया है पूरे विश्व को और जानबूझ के इराक के ऊपर इन्होंने अटैक करवाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, नारगोनो काराबाख किसके बीच विवादास्पद प्रदेश है? ये है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। दोस्तों आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।